बरेली जिले से, जहां आंवला पुलिस ने लूट चोरी की संपत्ति रखने के मामले में फरार अभियुक्त को 17.5 साल बाद गिरफ्तार किया है। आंवला पुलिस को एक मुखबिर से सूचना मिली थी कि राजेश नाम का व्यक्ति पुलिस हिरासत से फरार अभियुक्त इन दिनों आंवला क्षेत्र में रह रहा है। पुलिस ने सूचना को सही मानते हुए कार्रवाई की तो अभियुक्त आंवला पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आंवला कोर्ट से पुलिस हिरासत से फरार हो गया था। पुलिस ने अभियुक्त को काफी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कई वर्ष तक पता नहीं लग सका। लेकिन बुधवार को एक सूचना पर फरार अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। एसएसपी रोहित सिंह सजवाड़ ने बताया कि आंवला थाना क्षेत्र में फरार अभियुक्त राजेश को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने अभियुक्त राजेश पर 25,000 का इनाम रखा था। सर, आंवला में एक व्यक्ति पकड़ा गया जो कई सालों से फरार था, क्या मामला था, किस तरह से गिरफ्तार आया है? थाना आंवला के अंतर्गत एक राजेश नाम का व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, जिसकी उम्र 45 साल है। ये सन 2003 में 394/411 IPC के अंतर्गत उसको गिरफ्तार किया गया था, और उसके बाद ही ये 2003 में ही पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था। पिछले 17.5 सालों से ये फरार था, और इसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। इसके ऊपर 25,000 का इनाम था, और ये थाना आंवला के द्वारा ये गिरफ्तारी की गई है। कहाँ से कैसे गिरफ्तारी की गई? पुलिस कुछ समय से पुलिस को इसके सुरागसी मिली थी कि ये यहाँ पर निवास कर रहा है थाना आंवला के अंतर्गत ही, तो वहाँ पर इसको गिरफ्तार किया गया। और ये पिछले कुछ समय से ही थाना आंवला में आया, उससे पहले कहीं बाहर निवास कर रहा था। उसकी सारी पूछताछ अभी की जा रही है। ठीक है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।